अब खबर देहरादून से है, जहां आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने चारधाम यात्रा के दौरान हो रही अव्यवस्थाओं पर राज्य सरकार को घेरा। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता बिष्ट ने कहा कि सरकार सिर्फ बयानबाजी करती है, धरातल पर कोई तैयारी सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर नहीं की। यही वजह है कि श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। सर, चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है कि आप किस तरीके की देख सकते हैं व्यवस्थाओं को? चारधाम यात्रा की शुरुआत में ही जिस तरीके से अव्यवस्थाएं हावी हो गई हैं, उससे साफ पता लग रहा है कि सरकार ने जो है चारधाम यात्रा की को गंभीरता से नहीं लिया, कोई होमवर्क नहीं किया, कोई तैयारी नहीं की। विपक्ष लगातार जो है सरकार को चेतावनी का काम कर रहा था। यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग में जिस तरीके से श्रद्धालुओं का जन सैलाब उबड़ा, वहां पर प्रशासन की कोई व्यवस्थाएं नजर नहीं आई। आप देखिए कि हजारों श्रद्धालुओं को जो है दर्शन किए बिना जो है वापस जाना पड़ा। वही स्थिति बद्रीनाथ धाम के जो है कपाट उद्घाटन के अवसर पर नजर आई, वहां भी जो है इतने संख्या में श्रद्धालु पहुंचे कि प्रशासन की व्यवस्थाएं चरमराती हुई नजर आई। आखिर व्यवस्थाएं बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान हरिद्वार में भी जो है व्यवस्थाएं हावी रही, पुलिस को लाठियां बाजनी पड़ी और श्रद्धालुओं के साथ अभद्रता हुई। आखिर इससे प्रदेश की छवि खराब हो रही है। चारधाम यात्रा को लेकर के पर्यटन विभाग और प्रदेश सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी, लेकिन धरातल पर जो है व्यवस्थाएं नजर नहीं आ रही हैं। आखिर